दिल्ली से मेरठ पहुंची एक युवती ने पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के पुत्र पर शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाया है। शुक्रवार को दिल्ली की रहने वाली एक युवती मेरठ एसएसपी कार्यालय पहुंची और पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के पुत्र दानिश पर बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए पूर्व सांसद के पुत्र पर कार्यवाही की मांग करते हुए मेरठ एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में युवती ने बताया कि उसको मेरठ के रहने वाले पूर्व सांसद के पुत्र दानिश ने इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती करने का मैसेज किया था। इंस्टाग्राम पर किए गए मैसेज में युवती ने युवक से जानकारी ली तो उसने मेरठ के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का पुत्र दानिश बताते हुए खुद को अविवाहित बताया था। इसके बाद युवती को आरोपी दानिश ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। इसके बाद युवती को दानिश ने होटल क्रोम में मिलने बुलाया। युवती दानिश से मिलने दिल्ली मेरठ पहुंची तो दानिश ने अपने होटल क्रोम में आराम करने को कहा। होटल के मैनेजर ने युवती को दानिश के बताए होटल के तीसरे माले के कमरे में ठहरा दिया। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि कुछ समय बाद वहां दानिश भी पहुंच गया। युवती का आरोप है कि उसके बाद दानिश ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसका उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। युवती का कहना है कि दानिश के मोबाइल में ऐसे कई युवतियों के नंबर हैं जिन्हें दानिश ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रखा है। सर, मामला ये था कि मैं एक लड़की से इंस्टा पे बात कर रही थी। उसने पहले मैसेज किया था, हमारी थोड़ी बहुत बात होने लगी। वो दिल्ली भी आया मुझसे मिलने। उसके बाद फिर हम मिले जुले, उसने काफ़ी ज़्यादा यकीन दिलाया कि हाँ, मैं इतने अच्छे परिवार से, उतने अच्छे परिवार से, आप आओ मुझसे मिलने, हम अच्छी जगह घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो उसके विश्वास करके मुझसे मिलने आई मेरठ। पर उसने मुझे उससे पहले अपने होटल पर बुलाया और ना वहाँ पे कोई आईडी ली गई मेरी, ना कुछ ली गई, सीधा ही मैनेजर लेके आया, उसने रूम में छोड़ दिया। उस बंदे ने वहाँ पे ज़बरदस्ती करी मेरे साथ, रेप पे भी रेप किया। और फिर उसके बाद जब मैंने देखा, उसका इंस्टाग्राम चेक किया एक बारी, मेरी बैठ के मैं देख रही थी सर, उसमें एक औरत और एक बच्ची की फ़ोटो थी और ऊपर लिखा हुआ था, कैप्शन में ऊपर लिखा हुआ था कि माय डॉटर, ये लिखा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सिंगल हैं या फिर आप शादीशुदा है, तो उन्होंने तब भी झूठ बोला मुझसे कि मैं नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल ही रहता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो नहीं हूँ। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। क्या नाम है जी? उसका नाम है दानिश अखलाक, तो मेरठ का ही रहने वाला है वो। उसने काफ़ी ज़्यादा बोला, उसने बोला मैं सिंगल हूँ। वो शुरू से मुझसे यही बोलता हुआ आया था कि मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ। उसने एक बार भी ये नहीं मुझे बोला कि मैं शादीशुदा हूँ या फिर और भी कुछ हूँ, मैंने इसको बिल्कुल नहीं बताया। फिर बाद मैंने सर से कॉन्टेक्ट किया इस चीज़ के बारे में, मुझे पता चला कि वो सिंगल नहीं है, वो शादीशुदा है। और जब मैंने उसको ये चीज़ कन्फर्म की तो उसने डायरेक्ट कह दिया कि अब मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात करने की ज़रूरत नहीं, मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, कहीं से भी बात नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। तो कप्तान साहब के पास होते हैं, क्या सोचें? सर, मैंने 23 को दिया था एप्लीकेशन अपना, 3 दिन हो चुके हैं आज, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है फिलहाल के लिए। तो आज मैं उसी के लिए आई थी यहाँ पे, तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।